हेलो एवरीवन, आज बात कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ भी डिस्कस किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही। कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व 2y e^x / y dx प्लस वाई माइनस ट्वाइस एक्स e^x / y dy = 0। देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर होमोजीनियस की आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर एक्स बाई वाई है ना। तो जब कहीं आप पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो या लॉगरिथम फंक्शन आ रहा हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है उसकी या एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वहाँ उसके अंदर एंगल होगा, तो वहाँ एक्स बाई वाई की फॉर्म में या वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ रहा हो, इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन हो सकती है आपकी। ठीक है, उसमें आपको डाउट नहीं लेना। अदरवाइज आपको डाउट है तो हमने प्रोसेस बताया बेटा, एक्स को लैम्डा एक्स रख देना, वाई को लैम्डा वाई रख देना और लैम्डा आपका होल इक्वेशन में से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। इट मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन है। बट यहाँ जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स बाई वाई आ रहा है, तो वहाँ होमोजीनियस इक्वेशन ही होगी। ओके, बट यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ई की पावर एक्स बाई वाई है, तो हमने पिछले वीडियो में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया था पहले। अब यहाँ जब ई की पावर एक्स बाई वाई है या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स बाई वाई आ रहा हो या लॉगरिथम में एक्स बाई वाई आ रहा हो, तो वहाँ आपको डी एक्स बाई डी वाई फाइंड लिखना है पहले। यानी डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है। क्या निकालेंगे? डी एक्स बाई डी वाई, नो डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे अगर यहाँ एक्स बाई वाई है तो। अगर यहाँ वाई बाई एक्स होता तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है पहले, राइट? ये ध्यान रखेंगे बेटा। यहाँ क्या है, एक्स बाई वाई, इसका मतलब आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये टू वाई ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई, पहले डी एक्स बाई डी वाई निकाल रहे हैं। डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस ट्वाइस एक्स ई की पावर सर एक्स बाई वाई एंड डी वाई। अब यहाँ डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करना है, उसको ट्रांसफर कर लो बेटा। ये वाली वैल्यू लेफ्ट में आ जाएगी, ये राइट चली जाएगी। तो ये बनेगा माइनस वाई ई माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई, ये बन जाएगा। ओके, अब यहाँ जो लेट करेंगे या पुट करेंगे, तो जहाँ देखो बेटा डी एक्स बाई डी वाई लिखा है ना, डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ एक्स बाई वाई को वी लेट करना है। इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स था, क्या था वहाँ? डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो वहाँ वाई बाई एक्स को वी लेट करना है, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है। ओके, जो जहाँ एक्स बाई वाई वहाँ वी रख देंगे। अब इसका करना था डेरीवेटिव, जैसे पहले देखा होगा, पहले वीडियो में ये था डेरीवेटिव करना है। बट यहाँ क्वेश्चन टू लगेगा तो बेटर है क्रॉस इंटू कर लेते हैं। x इजकल टू क्या बन जाएगा बेटा? वी वाई बन जाएगा। तो ध्यान दें, क्वेश्चन में जहाँ x बाई वाई है वहाँ तो डायरेक्ट v रख देंगे, और जहाँ ओनली x है वहाँ वी वाई रख देंगे, राइट? अब आपको पता है सब v में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब dx ये भी चेंज होगा। तो क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट सर? dx बाई डी वाई। ये डेरिवेटिव जो हो रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई है, यानी वाई के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो यहाँ वाई के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बनेगा सर dx बाई डी वाई इजकल टू वी वाई, ध्यान रखना वेरिएबल है दोनों, तो वी एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई एज इट इज, और वी का हो जाएगा डी वी बाई डी वाई, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में डी एक्स बाई डी वाई है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, और जहाँ एक्स बाई वाई है वहाँ डायरेक्ट वी, और जहाँ ओनली एक्स है वहाँ वी वाई रख देंगे। तो क्या बन के आएगा? देखो, ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा हमारे पास सर वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस वाई एज इट इज़, और यहाँ लिखा है 2x, तो 2x मैंने क्या था, x है वहाँ वी वाई, ठीक है, और x बाई वाई हो तो वहाँ डायरेक्ट वी रख सकते हो आप, तो वाई एज इट इज रहेगा यहाँ पर, तो माइनस 2x यहाँ आ रहा है, यहाँ क्या जाएगा वी वाई, और e की पावर x बाई वाई मतलब v अपॉन वाई एज इट इज, डिनोमीटर में बेटा देखो वाई एज इट इज रहेगा, e की पावर x बाई वाई सर v हो जाएगा, e की पावर v ये हो जाएगा। अब ऐसी पोजीशन में से सर माइनस एज इट इज है, वाई कॉमन आ गया, यहाँ बच गया सर 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन y e रेस्ट टू पावर v, ये y से y कैंसिल हो गया। जैसे पहले बताया था कि ऐसा जब पुट करते हैं तो राइट साइड में ओनली v का टर्म ही बचेगा बेटा, ठीक है? अगर कुछ और बच रहा है तो आपकी कैलकुलेशन गलत है या फिर आपने इक्वेशन को गलत आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ ओनली v का टर्म ही बचेगा। अब देखो, राइट साइड में v है, लेफ्ट में v है, तो v वाले जो टर्म है वो एक तरफ ले जाना है आपको। तो सर ये एज इट इज, इस v को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा सर? माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन सर e रेस्ट पावर v अपॉन में, और ये v इधर चला गया, माइनस v आ गया। इसको एलसीएम ले लेंगे सर, इसका एलसीएम e की पावर v, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस 1 प्लस 2v e की पावर v, ध्यान रखेंगे सर 2v था क्वेश्चन के अंदर,
देखो ये टू था, टू वाई है ना, ये देखो टू, राइट। तो यहाँ पे टू भी आएगा बेटा, ये टू, यहाँ भी ये टू, ये टू, तो एल से आ जाएगा टू ई की पावर बी। ये एज इट इज हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टू वी ई की पावर बी। ये इससे क्या, ये बेटा माइनस का साइन है, ये प्लस माइनस क्या आया, माइनस है, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया यहाँ, माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ ए की पावर बी बच गया। अब आपको सेपरेशन कर लेना है, बस सेपरेट करो। ये लिखा है माइनस वन अपॉन टू ए की पावर बी। अब कैसे सेपरेशन, डी वी के साथ वी के टर्म लाना है, तो सर इसको इधर ले जाओ लेफ्ट में, ट्वाइस ऑफ ए की पावर बी डी वी हो गया सर, माइनस वन हो गया सर, ठीक है, और डी वी इधर चला गया सर, और वाई नीचे आ गया। ये अब इसे इंटीग्रेट करो, देखो डी वी के साथ वी का टर्म आ गया, डी वाई के साथ वाई आ गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड पे, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टू तो कॉन्स्टेंट बाहर होगा, ई की पावर वी का सर ई की पावर वी डी वी का ई वी होगा, इसकल टू सर माइनस डी वाई बाई वाई क्या बन जाएगा सर, लॉग ऑफ वाई, और प्लस कॉन्स्टेंट क्या हो गया, सी हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन था एक्स वाई में था, बट यहाँ वी में आ रहा है, तो वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ई की पावर वी, वी की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स बाई वाई लेट किया था, इजकल टू माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर आप कर लें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, सोल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इजकल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे पता लगा सर मुझे, देखो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री वन, इसकी पावर वन तो डिग्री वन, तो वाई स्क्वायर है, यहाँ ओनली वाई है सॉरी, इसकी पावर वन डिग्री वन, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन रूट लग रहा है, तो सोचो अगर एक्स स्क्वायर पर रूट लग रहा हो तो एक्स होता तो उसकी डिग्री वन, और इसकी डिग्री वाई स्क्वायर, इसका रूट वाई, इसकी डिग्री वन। इस तरह से हम डिग्री ट्रिक से पता लगा सकते हैं, अदरवाइज मैंने बताया था आपको कि एक्स को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई रख लेंगे, होल इक्वेशन में से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन होमोजीनियस है, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, डी एक्स बाई डी वाई भी निकाल सकते हो। यहाँ मजबूरी थी क्योंकि इक्वेशन में पहले बेटा क्या लिखा हुआ था, ई की पावर एक्स बाई वाई, तो हमने यहाँ डी एक्स बाई डी वाई निकाला, बट यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो जब डी वाई डी एक्स निकालेंगे सर, डी एक्स इधर भी है, डी एक्स इधर भी है, तो इसको बता एक तरफ ले जाओ पहले, तो डी एक्स वाले टर्म को, ये बचेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सर वाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ से राइट साइड में से सर डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये बन गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई फिर डी एक्स, ये हो गया सर एक्स डी वाई। अब क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, तो इसको लेफ्ट में लेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इसको राइट में ले जाऊँगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया सर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ये होगा। अब वही प्रोसेस है बेटा, यहाँ पुट कर लो यानी लेट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई बाई एक्स, ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब वाई बाई एक्स को वी लेट करना है, तो जहाँ वाई बाई एक्स हो वहाँ डायरेक्ट वी रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, बट क्वेश्चन टू लग रहा है बेटर है क्रॉस इनटू कर लें, इसको क्रॉस इनटू करेंगे तो वाई इजकल टू वी एक्स हो जाएगा ये। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है, जहाँ वाई बाई एक्स है वहाँ वी रख देंगे, अदरवाइज जहाँ वाई बाई एक्स नहीं है ओनली वाई है, उस वाई को रिप्लेस करेंगे वी बाई एक्स से। अब जब वी में टर्म आ रहा है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अब आपको इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या सर, देखो डी वाई बाई डी एक्स है यानी कि ये एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही है ना, तो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वी एक्स, ध्यान रखेंगे वी भी वेरिएबल है, हमने लेट किया हुआ है एक्स भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट टू लगेगा, तो वी एज इट इज एक्स का वन हो गया प्लस एक्स एज इट इज वी का डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू। अब ये जो आपके पास आया रिजल्ट, ये वाली वैल्यू, ये डी वाई एक्स की वैल्यू जो आई है, ये इस इक्वेशन के अंदर जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह, और जहाँ इसमें वाई है वहाँ अपन क्या रख देंगे वी एक्स रख देंगे, तो क्या बन गया, देखो लेफ्ट में क्या बन गया, लेफ्ट में आएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू राइट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कहा जब वाई है वो उसको रिप्लेस करना है, यहाँ ध्यान रखना वाई इजकल टू वी एक्स है ना, तो वाई को हटाना है, एक्स है आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई को वी एक्स, तो स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर वाई है वहाँ वी एक्स हो जाएगा अपॉन क्या था एक्स, तो एक्स बेटा एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये रूट के अंदर से बेटा ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर एक्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस सर वी स्क्वायर, और प्लस ये हो गया सर वी एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब होल इक्वेशन में सर एक्स कॉमन आ गया, ये हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी और अपॉन क्या होगा एक्स, और ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने पहले ही बताया था जब ऐसा करेंगे तो राइट साइड में वी के टर्म ही बचेंगे, ठीक है, अगर कुछ और बच रहा है इसका मतलब कहीं गड़बड़ चल रही है,
अब ये आपका वी के टर्म बच गया राइट साइड में। अब सर लेफ्ट में वी है तो वी वाले को एक तरफ रखना है, तो इस वी को ट्रांसपोज कर लो, इस वी को राइट साइड में ले जाओ, तो क्या बनेगा यहाँ एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और ये वी इधर जाएगा माइनस वी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट आ गया सर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन यूज़ करेंगे कि वी के साथ डी वी के साथ वी के टर्म रखेंगे, तो इसको यहाँ से लेफ्ट में लिखाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी एक्स यहाँ चले जाएगा अपॉन एक्स हो जाएगा, ये रिजल्ट यहाँ से आ गया। ओके अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड क्योंकि सेपरेशन हो गया, तो देखो लेफ्ट वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है बेटा, लो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये होता है लोग एक्स, ये होता है फॉर्मूला लोग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी लोग वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू लोग ऑफ एक्स प्लस सी, बट यहाँ देखो इंटीग्रेशन पूरा लोग में आ रहा है, तो बेटर है आप कॉन्स्टेंट लोग सी लेंगे, राइट क्यों लिया सर, क्योंकि इसमें बेटर लोग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखो तो लोग एम प्लस एन हो रहा है, ये बन जाएगा लोग एम इंटू एन, ये हो गया, और यहाँ ये हो गया लोग वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर का मोड लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया है। अब लास्ट में क्या है, हमारे पास वी और एक्स में आया इक्वेशन तो एक्स वाई में है, तो आपने जो वी लेट किया था वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू क्या लेट की थी वाई बाई एक्स, वी की वैल्यू है ना वाई बाई एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वाई बाई एक्स प्लस रूट वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये सोल्यूशन हो गया। आगे सिंप्लीफाई करना चाहो इसका एलसीएम ले सकते हो बेटा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा सर, ये वाई बाई एक्स बनेगा प्लस ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और ये रूट से बाहर आ गया एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा सी एक्स, या अगेन जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, उस एक्स को क्रॉस इनटू कर देंगे यहाँ आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से आपका ये आंसर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है राइट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो वहाँ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, वो इसमें पुट कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व एक्स डिवाइड एक्स माइनस वाई माइनस एक्स टेन वाई बाई एक्स, आप होमोजीनियस है या नहीं, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या लिखा रहा है वाई बाई एक्स लिखा रहा है, तो आपको चेक नहीं करना, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाई बाई एक्स आ रहा है डेफिनेटली होमोजीनियस इक्वेशन होगी, डोंट वरी, समझ रहे बात को, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ वाई बाई एक्स है तो आपको डी वाई डी एक्स ही निकालना है, ध्यान रखेंगे अगर एक्स बाई वाई यहाँ होता तो आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो यहाँ सर वाई बाई एक्स लिखा हुआ है तो आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो सब कुछ दे रखा है, बस थोड़ा दो स्टेप आगे बढ़ना है आपको कि सर डी वाई बाई डी एक्स इस एक्स को यहाँ से हटाओ, इस एक्स को ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स टेन वाई बाई एक्स, अब कई बार क्या होता है बच्चा अलग अलग डिवाइड देता है ऐसे, बिल्कुल दे सकते हो अलग अलग डिवाइड दे सकते हो, ये कट जाएगा, अब लेट क्या करेंगे ऐसा सीधा दे सकते हो, ठीक है अब वही लेट करेंगे तो वो डी वाई डी एक्स क्या करेंगे सर वाई बाई एक्स को वी लेट कर लेंगे, अब यहाँ पर डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो इसलिए इसको क्रॉस इनटू कर लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू सर वी एक्स बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स का वन हो जाएगा प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी आपके पास, तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को क्या बनेगा ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बनेगा सर इज इक्वल टू क्या आया वाई बाई एक्स क्या बन गया वी है माइनस ये कैंसिल आउट हो गया क्या हो गया सर टेन और वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा वी, अब इस वी को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा सर माइनस वी, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वी, राइट। अब वेरिएबल सेपरेशन, ये टेन वी है इस डी वी के साथ रखना है, डी एक्स को क्रॉस इनटू कर देंगे और ये एक्स के नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सर डी वी अपॉन टेन वी, माइनस का इधर लिया है मैंने, और ये डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेशन हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, तो माइनस टेन को ले जाएंगे ऊपर बेटा क्या बन जाएगा ये कॉट वी डी वी इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, अब ये माइनस इधर है तो आप चाहो तो इस माइनस को इधर रख सकते हो या राइट में भी ला सकते हो, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कॉट का सर इंटीग्रेशन पता है लॉग ऑफ क्या होता है साइन वी, ये हो गया, और माइनस लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ लॉग लॉग में आ रहा है तो सी ना लिखकर लॉग सी लिख देंगे, राइट क्यों लगा रहे हैं लॉग सी, क्योंकि यहाँ सर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ लॉग माइनस का साइन है यहाँ प्लस का है, तो लॉग सी माइनस लॉग एक्स यानी कि लॉग सी बाई एक्स बन जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और यहाँ आ जाएगा सर लॉग साइन वी, अब ये सर लॉग से लॉग कट जाएगा। अब आप लास्ट में क्या करेंगे बेटा वी की वैल्यू पुट कर देंगे, वी क्या था वाई बाई एक्स, तो साइन वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू सी बाई एक्स, यही इसका सोल्यूशन, क्लियर है। यहाँ लोग की प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, लोग m इंटू एन है तो
तो क्या होता है log m प्लस log n, तो आप पर log m प्लस log n लिखा होगा, log m इंटू n कर देंगे, और log m बाई n है वो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, log m बाई n को log m माइनस log n, तो ऐसा लिखा होगा उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सारे e के बेस पर है, ठीक है बेटा, ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि लास्ट इसका सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी रिवाइज करें, बाय बेटा।